प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद खाद विभाग में हलचल मची हुई है। हर तरफ पॉलीथीन चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। आज फिरोजाबाद में भी इसी क्रम में थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सरस्वती नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम व नगर निगम की प्रवर्तन दल टीम के साथ जलेसर रोड सरस्वती नगर गली नंबर 1 में गर्ग ट्रेडर्स पर प्लास्टिक गोदाम में छापा मारा और 100 किलो प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, थर्माकोल के प्लेट, कप आदि सामान पकड़ा और इन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चेकिंग होते देख बाकी के दुकानदारों में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते कई दुकानें बंद हो गईं। वहीं विभागीय टीम में शामिल SDM राकेश वर्मा का इस बारे में कहना है कि हमारी टीम लगातार इसी तरह अभियान चलाती रहेगी और चेकिंग कर इस मुहिम को और तेज बढ़ाया जाएगा। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। यहाँ पर थाना उत्तर क्षेत्र सरस्वती नगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी करते हैं। गोदाम में से पॉलीथीन रिकवर की गई और उसका वजन करवाने के लिए भेजा जा रहा है। जो भी वजन होगा उसके अनुसार उसके निरीक्षा करने की टीम पहुँच की जाए और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है।